फ्लोर पर एक ओपन पैसेज के बाद कई सारे छोटे बड़े चैम्बर्स बने हुए हैं जिनमें आईएसआई के कर्मचारी लैपटॉप और कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग इंजीनियर्स होते हैं, कुछ हैकर्स होते हैं जिनका काम दूसरे मुल्कों के वीवीआईपी लोगों की जानकारी जुटाना होता है। यहाँ एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है। ये लोग हिंदुस्तान समेत कई और देशों की खुफिया जानकारियों का जुटाने का भी काम करते हैं। तो अभी आपने आईएसआई हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर को देखा और समझा। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आईएसआई हेडक्वार्टर के फर्स्ट फ्लोर पर क्या होता है। आइए आपको लेकर चलते हैं आईएसआई हेडक्वार्टर के फर्स्ट फ्लोर पर। तो चलते हैं। आईएसआई की इमारत में मौजूद पहली मंजिल काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ आईएसआई के टॉप लेवल के कमांडर्स दुनिया में होने वाली हर हरकत पर नजर रखते हैं, हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं, वो भी सैटेलाइट कैमरे से। यहीं पर आईएसआई का वॉर रूम भी है। फर्स्ट फ्लोर की सिक्योरिटी और भी ज्यादा हाईटेक और टाइट है। आईएसआई बिल्डिंग के इस फ्लोर पर अधिकारियों के केबिन्स के अलावा कॉन्फ्रेंस रूम भी बना हुआ है। यहीं से बैठकर आईएसआई पूरी दुनिया में मौजूद अपने सीक्रेट एजेंट्स पर नजर रखता है, उनसे सीधा कनेक्ट करता है। इसके अलावा उनसे खुफिया इनपुट भी जुटाता है। अब आपको इसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर ले चलते हैं। तो आईएसआई बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर आपने देखा जहां सिक्योरिटी बेहद टाइट है, लेकिन इस बिल्डिंग का यानी कि आईएसआई की बिल्डिंग का उसके हेडक्वार्टर का सेकेंड फ्लोर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आपको सेकेंड फ्लोर पर ले चलते हैं। आप पारा में मौजूद आईएसआई के हेडक्वार्टर का सेकेंड फ्लोर बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुफिया एजेंट बैठता है। यहीं पर उसका केबिन भी है। यहीं से वो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया पर नजर रखता है। ये आईएसआई के डायरेक्टर जनरल यानी चीफ का ऑफिस है। इसके अलावा इस फ्लोर पर आईएसआई चीफ के खास माने जाने वाले कुछ टॉप लेवल के अफसरों के भी केबिन्स मौजूद हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आप पारा चौक के पास आईएसआई का हेडक्वार्टर है जिसके एक एक कोने को आपने तफसील से देख लिया है, उसके बारे में जान भी लिया। लेकिन अब आपको बताएंगे कि आखिर आईएसआई को चलाता कौन है, आईएसआई कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार करती है, आईएसआई के एजेंट्स कैसे बनते हैं, आईएसआई की फंडिंग कैसे होती है। आज पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी का हर सीक्रेट सॉलिड पड़ताल के साथ आपके सामने होगा। देखिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई में इस वक्त जिस शख्स के नाम का सिक्का चलता है वो है फैज हमीद। फैज हमीद के हाथों में ही आईएसआई की कमान है। पाकिस्तान का ये सुपर एजेंट इस्लामाबाद के आपबारा में मौजूद हेडक्वार्टर से पाकिस्तान समेत दुनिया के सभी मुल्कों में चोरी छिपे बैठे आईएसआई एजेंटों को ऑर्डर देता है। फैज हमीद के इशारे पर ही आईएसआई के एजेंट किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हैं। अब सवाल यह है कि फैज हमीद में वो कौन सी खूबी है जिसके चलते वो आईएसआई का चीफ बना। आखिर किस वजह के चलते इमरान और भाजपा ने फैज हमीद को अपनी खुफिया एजेंसी का मुखिया बनाया, पहले आप उसे जान लीजिए। जून 2019 को फैज हमीद आईएसआई का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। आईएसआई चीफ बनने से पहले फैज हमीद पाकिस्तानी सेना में अधिकारी थे। हामिद रावलपिंडी के 10 सैन्य दलों के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। इसके अलावा फैज हमीद आईएसआई के काउंटर इंटेलिजेंस विभाग के चीफ रहे हैं। आईएसआई चीफ फैज हमीद का ताल्लुक पाकिस्तान की बलूच रेजिमेंट से है।
शाहिद हमीद 1948 से 1950, आर कैथोम 1950 से 1959, रियाज हुसैन 1959 से 1966, मोहम्मद अकबर खान 1966 से 1971, गुलाम जिलानी खान 1971 से 1977, मोहम्मद रियाज 1977 से 1979, अख्तर अब्दुल रहमान 1979 से 1987, हामिद गुल 1987 से 1989, रहमान कल्लू 1989 से 1990, असद दुरानी 1990 से 1992, जावेद नसीर 1992 से 1993, जावेद अशरफ काजी 1993 से 1995, नसीम राणा साल 1995 से साल 1998, जिलाउद्दीन भट 1998 से 99, महमूद अहमद 1999 से 2001, एहसान उल हक 2001 से 2004, परवेज कियानी 2004 से 2007, नदीम ताज 2007 से 2008, शुजा पाशा 2008 से 2012, जहीरुल इस्लाम 2012 से 2014, रिजवान अख्तर 2014 से 2016, नवीद मुख्तार साल 2016 से 2018, असीम मुनीर 2018 से 2019। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। इंटर सर्विसेज मतलब जो शख्स पहले से ही सेना से जुड़ा कोई काम करता हो। इसलिए ISI में ज्यादातर भर्ती पाक सेनाओं में काम करने वाले लोगों की होती है, चाहे वो पाक की आर्मी, वायु सेना या फिर नेवी से जुड़ा हो, उसे तरजीह दी जाती है। ठीक इसी भर्ती प्लान के तहत सेना के बड़े अधिकारी ISI चीफ बनाए जाते हैं। इस्लामाबाद के ISI हेडक्वार्टर में करीब 10,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि ISI में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की तादाद करीब 25,000 है। ISI का हेड पाकिस्तानी सेना का जनरल रैंक का अधिकारी ही होता है। डायरेक्टर जनरल के अंडर में 3 डिप्टी रैंक के 3-स्टार अधिकारी होते हैं। ये तीनों अधिकारी 3 अलग अलग विंग की अगुवाई करते हैं, पहली इंटरनल विंग, दूसरी एक्सटर्नल विंग और तीसरी फॉरेन रिलेशन विंग है। हर विंग में 2-स्टार जनरल को बतौर टीम लीडर नियुक्त किया जाता है। ISI पाकिस्तान में अदृश्य सरकार की भूमिका निभाती है। देश का हिस्सा होते हुए भी ये सरकारी नियमों से बाहर है। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय ISI संचालित करती है। इसके अलावा पाकिस्तान की विदेश नीति ISI ही तय करती है। ISI इनिशियली 1948 में जैसे हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो बना था, ये उसी का काउंटर पार्ट एक किस्म से लगाइए कि इधर इंटेलिजेंस ब्यूरो थी तो पाकिस्तान में ISI बनाया गया था। लेकिन उसमें और IB में और ISI में फ़र्क था। ISI टोटली जो है मिलिट्री ऑफिसर्स इसको चलाते हैं और पाकिस्तान की आर्मी इसको हैंडल करती है। इसका हेडक्वार्टर कहने को इस्लामाबाद में, लेकिन ये रावलपिंडी से चलती है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों को बढ़ावा देने का काम ISI ने किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को समर्थन देने के पीछे ISI का ही हाथ है।